सात दिन हमारी जिंदगी में एक अलग तरीके का शुरू हुआ था। एक सनातनी को मिटाने के लिए पूरे देश की मीडिया पीछे लग गई थी, पूरे देश के वामपंथी पीछे लग गए थे, लेकिन कहते जिसका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़ेगा। दो तीन दिन से खूब न्यूज़ों पर चला, हमें और कोई चिंता नहीं हुई, बस लाखों सनातनियों के मन में जो भ्रम आ गया था बालाजी के प्रति, उसकी भर हमें चिंता होती रही दो दिन, बाकी हमें कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन आज जब पूरे देश की मीडिया यहां दरबार को एक्सपोज करने आई, जब सन्यासी बाबा ने लीला की, हमें तो पूरा ध्यान नहीं है, हमें तो बाद में ध्यान आया है, हमें पूर्णतया ध्यान नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं भैया आज भी ईश्वर है और आज भी सनातन में ताकत है। न गुरु होते न गुरुदेव होते न लाज बचती, गुरु कृपा है लाज बचेगी। सच बतावे सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है न कोई झुका सकता है। हमने अपनी जिंदगी में हर पल परीक्षा दी, सत्य को बहुत बार कसौटी पर तोला जाता है। आज हमारी आंखें बार बार इसलिए भर रही कि माता जानकी जी की परीक्षा के लिए कितना परेशान नहीं किया होगा लोगों। धन्य रे भारत, इस भारत में सत्य को भी प्रमाण देने की आवश्यकता है, पर बाहर कलयुग के राजा हनुमान जी डंका ठोक कर मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और आज रायपुर में इतिहास लिख गया, इतिहास में कभी किताब उठाई जाएगी तो एक बात कही जाएगी कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दरबार लगा था कि जब पूरे देश की मीडिया जहां बैठी थी और उनके मुंह पर तमाचा मार दिया था। सच बताएं आज तो हम पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात नहीं सोए। सुबह 3:30 बजे हमारी लड़ाई हो गई गुरुजी से, बाहर के लोगों से नहीं सन्यासी बाबा से, ये हमने घटना बताई भी नहीं किसी। 3:30-4 बजे जब सब बच्चे चले गए सब नॉर्मल था, लेकिन लड़ाई इस बात पे हो गई कि गुरुदेव जब हम सच हैं तो हमारी बार बार परीक्षा हम पर उंगली क्यों उठाई जाती। साढ़े 5 बजे हमको सोते हुए जगाया गुरुजी ने सपने में और कहा हाथ फेर कर सिर पर, तू रोया मत कर, इतना ज्यादा टेंशन मत लिया कर, जा तू जहां भी जाएगा झंडा गाड़ कर आएगा, जा। तो बस पर हमारी टेंशन शून्य हो गई। हमें पता था कि आज पूरे भारत की मीडिया आएगी, एक भी कमी हो जाएगी लाखों, हमें अपना भय नहीं है, कोई हमें मार ले गाली दे दे हमें भय नहीं, हमें अपने सनातन धर्म का भय। कोई संतों को बुरा ना कहे, हम पाखंडी हैं लेकिन हमारे बालाजी नहीं, हमारा सनातन पाखंडी नहीं है, हमारे सनातन के संतों में ताकत है ताकत, तपस्या में ताकत है। और आज के बाद तो हमने प्रण लिया हम कभी किसी को अपनी परीक्षा नहीं देंगे, कितनी बार परीक्षा दे कितनी बार। बागेश्वर धाम पर भी आधी हकीकत आधा फसाना आया, उन्होंने भी खूब परेशान किया,
परीक्षा ली, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो नॉर्मली है हम वो तो बोलते ही, हम हमेशा बोलते हम ईश्वर नहीं है, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हमारे ऊपर तो बालाजी की कृपा है, लेकिन कृपा ऐसी है कि जो कह दिया जाता वो कटता नहीं है। कितना ही बार सत्य को परेशान करोगे, कितनी बार सांच को कसौटी पर कसोगे, आखिर कब तक? हमने किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगा, हमने कभी किसी से रुपया नहीं मांगा, ना हमारी कोई ऐसी मन की भावना है, हमारी भावना सनातन है। और आज तो हमें दरबार का पूरा होश भी नहीं है, वो तो बाद में जब हमें बताया तब हमें याद आता है, कल तक हमारे सब बच्चे परेशान थे, सब बच्चों के मन में ये था कि गुरुजी अपने ऊपर दाग लग गया कि हम महाराष्ट्र से आ गए, हम चुनौतियों से डर गए, हम विज्ञान के सामने फेल हो गए, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा था, हमारा इष्ट कलयुग के राजा हनुमान जी फेल नहीं होते हैं।